हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनएओएच की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखी थी, बिकॉज हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं और एनएओएच एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसके लिए। अभी एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि आज की डेट में कुछ ज्यादा ही फेमस है। आपको पता है ना, कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए सैनिटाइजेशन वगैरह करते हैं, ठीक है? हम लोग तो जो चीजें यूज करते हैं वो अल्कोहल बेस्ड होती है, उसमें कुछ फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस मिला के चलते हैं। बट ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, जैसे बड़ी बड़ी ट्रेन्स हैं, बड़े बड़ी जगहें हैं, वहां पे जो चीजें सैनिटाइजेशन के लिए यूज हो रही हैं, वो बेसिकली होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? आप में से काफी लोगों ने स्विमिंग की होगी, अगर तो स्विमिंग के पानी को भी डिसइनफेक्ट करने के लिए हम लोग क्लोरीन वगैरह डालते हैं, ठीक है? तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ये सब जो चीजें होती है ना, ये डिसइनफेक्टेंट होती है। तो अब आज का हम वीडियो रखेंगे इस चीज पे कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो चलो, इसी बहाने जनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। और ये क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन, जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब ये इतनी बार रिपीट हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है? आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देखोगे तो कम से कम पिछले 30 साल में 10 बार रिपीट हुआ, ठीक है? तो कभी पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कभी पूछ लेते हैं कितने मोल्स बनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। सो वॉट यू नीड टू डू इज कि बाकी सारी रिएक्शन को छोड़ो, ये तो कर लो। तो हमारा फंडा बहुत सिंपल है कि वो रिएक्शन पहले कर लो जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? मान लो हमको सारी रिएक्शन करनी है, पर जिसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसको तो पहले कर लो यार, ठीक है? तो अगर आपके पास टाइम कम बचा है, आपको क्विकली रिवाइज करना है, तो अगर सारी रिएक्शन नहीं भी कर सकते तो कम से कम उतनी कर लो जिनके आने की प्रॉबिलिटी ज्यादा है। तो थोड़ी सी भी किस्मत ठीक रही ना तो ये सारी रिएक्शन आ जाएंगी, राइट? तो ये रिएक्शन जो मैं आज करवाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ध्यान से करना। और जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, नोट्स बनाते रहो। एक बार वीडियो देख के कभी कभी चीजें याद नहीं होती है, नोट्स को रिवाइज कर लोगे सब ठीक रहेगा, ठीक है? चलो, तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर के साथ शुरू करना है। तो पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ही है, याद कर लो, ठीक है? कुछ एग्जाम्स में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लीचिंग पाउडर। अब यार इसका टिक कर दो, ठीक है? अभी कब बनता कैसे है? ये ध्यान देते हैं हम लोग। मैंने लास्ट क्लास में आपकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई थी, किसकी? एनएओएच की। इस बार मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है? आप ध्यान दो, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जाके देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही होगी, डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है? एनएच के केस में क्या बना था? NaCl, मतलब Cl माइनस। यहां पे क्या बनेगा? CaCl2। ध्यान से समझो, क्लोरीन पे माइनस वन ही। और NaCl के केस में, एनएच के केस में क्या बना था? NaOCl। तो ये OCl चीज से मुझे इंटरेस्ट है, तो OCl लिया, OCl के ऊपर माइनस वन होता है, तो इसके दो ले लिए और कैल्शियम ले लिया। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है? ये दो चीजें बन गई। क्या आपको पता है कि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं? अब सवाल ये उठता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो ये होता है ना, CaOCl2, यार तो ये कहां से आया? तो ध्यान से समझना, CaCl2 में से आया एक कैल्शियम और दो क्लोराइड्स, ठीक है? और अपना CaOCl2 में क्या आया? एक कैल्शियम और दो ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, मतलब एक एम्पिरिकल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो बेसिकली वैसा कि भैया इनको ना सब को टू से डिवाइड कर दो। तो दो कैल्शियम की जगह मैंने एक कैल्शियम ले लिया, ठीक है? दो क्लोराइड्स की जगह मैंने एक क्लोराइड ले लिया, दो ओसीएल माइनस की जगह मैंने एक ओसीएल माइनस ले लिया, और अब इन तीनों को जोड़ दिया तो बन गया हमारा CaOCl2। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये इतना जबरदस्त चीज है CaOCl2। पर अब जिसको ये नहीं पता होगा वो क्वेश्चन में कैसे गलती करेगा, ध्यान से सुनना। एक बार एक क्वेश्चन आया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पहली बात, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, बेटा मेरा रिडॉक्स नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लेना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे मैं 500 बार यूज करूंगा, तो इससे पहले कि अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो वो देख लो यार प्लीज। उसको देखने के बाद 90% से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो डाउट
अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं बता दूंगा, क्या टेंशन है। ठीक है, तो CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये पूछा गया था। काफी बच्चों ने गलत किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला देखो कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो क्लोरीन पे हो गया 0, ये हो गया गलत। CaOCl2 जैसा दिखता है वैसा है नहीं, असली में CaOCl2 ऐसा दिखता है, असली में ऐसा है। तो ये जो CaOCl2 है ना, इसमें एक क्लोराइड आयन है और एक ऑक्सीक्लोराइड आयन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो हमारा क्लोराइड है इस पे तो -1 है ही, बट ये जो हमारा OCl- है ना, इसमें क्या सिचुएशन है, ऑक्सीजन पे -2 है, क्लोरीन पे +1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और क्लोरीन जब आपस में जुड़े होते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, क्लोरीन पे पॉजिटिव आता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ये वाली चीज भी मैंने रिडॉक्स में उस वीडियो में बताई है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, कि जब दो लोग आपस में जुड़े होते हैं तो दोनों में से जो ज्यादा ताकतवर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन जब साथ में जुड़े होंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो -2 आ गया, और -2 और क्लोरीन पे क्या आ गया, +1, और इसीलिए तो इस पूरे आयन पे चार्ज है -1। ठीक है, सो देयर इज एन आयन कॉल्ड एज OCl-, उस ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे +1। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो मुझे एक क्लोरीन मिल गया जिसपे -1 है, और मुझे एक क्लोरीन मिल गया जिसपे +1 है। तो CaOCl2 में दो क्लोरीन होते हैं, एक पे -1, एक पे +1। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब ये क्वेश्चन भी पास्ट ईयर्स में आ चुका है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद कर लेनी है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, NaOH में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दो, बन जाएगा। नंबर टू, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। नंबर थ्री, ये जो रिएक्शन हो रही है ब्लीचिंग पाउडर की, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, फिर चौथी चीज, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो CaOCl2 है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चीज आप याद करो, इसके लिए मैं स्क्रीन डिलीट करता हूं और वापस से कुछ चीजें लिखता हूं। तब तक आप या तो अभी इमीडिएटली पॉज कर लो और ये सारी चीजें लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर दो, जल्दी से लिख लो, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब एक और खास बात, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें से ना नेसेंट ऑक्सीजन को निकाल लो। तो भाई जो भी कंपाउंड नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, सामने वाले पे ऑक्सीजन जाके चिपका दो। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं ऑक्सीडाइज करने के, जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, ये भी होता ऑक्सीडेशन करना, या ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये भी होता ऑक्सीडेशन करना। तो भाई अगर CaOCl2 में से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी तो वो किसी पे तो जाके जुड़ेगी ना, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, तो इसकी वजह से किसी और का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी चीज, कैल्शियम मतलब इस कंपाउंड में क्लोरीन -1 में भी है, क्लोरीन +1 में भी है। -1 वाले की कोई टेंशन नहीं, हमको छोड़ो इसको। ठीक है, इस पे फोकस करो। आप एक चीज इमेजिन करो यार, बहुत ही कॉमन सेंस वाली प्लेन चीज है, क्लोरीन अगर नॉर्मल होता तो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन खींचना। ठीक है, आपने उसके ऊपर +1 चार्ज डाल दिया, मतलब आपने उसी का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनता है आपने उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो वो तो पगला जाएगा। ये बिल्कुल वो बात है कि मान लो आपने आप एक भाई हो, ठीक है, मतलब वो जो गुंडे नहीं होते, मान लो एक एक एग्जांपल लेते हैं, बॉलीवुड मूवी का एग्जांपल लेते हैं, वो गुंडे लोग क्या कर रहे हैं, वो हफ्ता ले रहे हैं ना, बॉलीवुड में बहुत चलता है, तो हर दुकान से जाके हफ्ता ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सड़क में उनको कोई आदमी मिल गया, उन्होंने उसको भी थोड़ा मारा और हफ्ता लेने की कोशिश की, बाद में उनको पता चला कि वो जो आदमी था ना वो बहुत बड़ा MLA का या MP था या कुछ था, बहुत बड़ी चीज था वो, ठीक है, जो कि नॉर्मल घूम रहा था बस। तो अब अगर आपने एक ऐसे आदमी से पंगा ले लिया जो पहले ही इलेक्ट्रॉन छीनने के चक्कर में रहता है, और आपने किसी रीजन से उसी से इलेक्ट्रॉन छीन लिया,
तो भाई वो तो पागल हो जाएगा और वो इतने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके छोड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एनालॉजी है कि जैसे चोर है, एक चोर ने किसी के घर पे चोरी की, बाद में पता चला जिसके घर पे चोरी की वो मंत्री था, तो आपने गलत आदमी का पैसा चुरा लिया, ये वो आदमी है जो दूसरों के पैसे मारता है और आपने उसके पैसे मार लिए, तो अब वो तो पागल हो जाएगा, बात समझे? तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, उसकी खींचने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो क्लोरीन पहले से ही ताकतवर था, ऊपर से आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो आप भाई वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। कार्बन वार्बन को दिक्कत नहीं होती, अभी जैसे कार्बन का एग्जाम्पल लो, आपने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, वो बोलेगा ठीक है मैं तो पहले भी कमजोर था, अभी मैं क्या कर लूंगा, मतलब उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी दिक्कत उसको भी होती है, बट क्लोरीन को तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो अब अगर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से सामने वाला ऑक्सीडाइज हो गया, सो दैट इज वाई CaCl2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों ही रीजंस हैं, नेसेंट ऑक्सीजन भी आप बोल सकते हो और क्लोरीन पे प्लस चार्ज होना भी आप बोल सकते हो, दोनों रीजंस में से जो भी रीजन ऑप्शन ABCD में दिया हो उसको टिक कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और काफी सारे बच्चों के साथ शेयर करो। रीजन बहुत सिंपल है, किसी की हेल्प करने से खुद का नुकसान नहीं होता, ठीक है, इसको कर्मा बोलते हैं, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उसकी वजह से आपको भी बेनिफिट होता है। ठीक है, और मैं इसीलिए वीडियोस बना रहा हूं, मैं ये सारी चीजें अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट मैं आपके लिए क्यों लेके आ रहा हूँ ये कि भाई ठीक है अगर किसी का फायदा होता है, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है। तो सिंपल बात है, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड काइंडनेस, और किसी भी बच्चे को अगर लास्ट मोमेंट पे चीजें अच्छी लगेंगी ना और उसके नंबर आ जाएंगे तो दिल से दुआएं निकलेंगी यार उसके। ठीक है, तो मैं तो बस इसीलिए कर रहा हूं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और कोई भी टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में डालते रहो, मैं धीरे 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 बनाता रहूंगा। देखो बहुत सारी चीजें और हैं, ठीक है, अपने बहुत सारे काम भी चलते रहते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन मैं कुछ 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 वीडियोज लेके आता रहूँ ताकि बच्चों को बेनिफिट मिले पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया, जितने बच्चे इसको देख रहे। ठीक है, चलो थैंक यू यार, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की हेल्प करके, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।